नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के एसकेपुरी स्थित चिराग पासवान की आवास पर। आप देख सकते हैं चिराग पासवान दिल्ली से पटना आ चुके हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चिराग पासवान, आप तस्वीरों में देख सकते हैं चिराग पासवान को। चिराग, उपचुनाव की क्या तैयारी? उपचुनाव की पूरी मजबूत तैयारी है। हमारे तमाम नेता प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और हमारे जितने प्रत्याशी हैं और जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबको पंचायतों की जिम्मेदारी उन सबको दी गई है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पंचायत के अंतर्गत आने वाले हर एक बूथ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजबूत साथी वहां पर तैयार हों, ताकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो नीतियां हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको घर घर तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहें। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों विधानसभाएं ऐसी हैं जो, एक तारापुर जो मेरी लोकसभा के अंतर्गत आती है, पिछले लगभग 7-8 सालों से मुझे वहां का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य है, तो वहीं दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान मेरा ननिहाल, मतलब मेरे पिताजी का ननिहाल वो रहा है, तो ये दोनों सीटों से एक डायरेक्ट संबंध मेरा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इन दोनों सीटों से जीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ही हो। अगर इसमें देखा जाए तो उपचुनाव में अगर देखें तो फिर युवा कुछ ज़्यादा ही है सामने फील्ड में, अगर बात करें मैदान में है। कन्हैया कुमार है कांग्रेस की तरफ से, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तारापुर के लिए तेजस्वी यादव निकल चुके हैं, आप दिल्ली से पटना आ गए, क्या कुछ अब रणनीति बना रहे हैं? देखिए, रणनीति जैसा मैंने कहा, मेरी शुरू से मेरी रणनीति स्पष्ट है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार को विकसित बनाना है, बिहार के हर एक विधानसभा को विकसित बनाना है। मैं बार बार मैं इस बात पर मैं जोर डालता हूँ कि जब तक आप हर विधानसभा, हर प्रखंड के विकास की आप बात नहीं करेंगे, तब तक आप पूरे प्रदेश को आप विकसित नहीं कर पाएंगे। इस बार भी हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो भी हम लोगों ने तैयार किया है दोनों उपचुनाव को लेकर, वो पूरी तरीके से क्षेत्रीय है, स्थानीय है। कुशेश्वर स्थान की अपनी, वहाँ की विभिन्न पंचायतों की क्या समस्याएँ हैं या वहाँ की प्रखंडों की क्या समस्याएँ हैं, उसको लेकर तैयार किया है और यही चीज़ हम लोगों ने तारापुर के लिए भी हम लोगों ने की है। एक सवाल आपसे चिराग पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो आपने पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर उतारे हैं उसको लेकर सूत्रों के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि आपके पार्टी के ही कुछ लोग शायद इस चीज से नाराज भी हैं जो उम्मीदवार आपने ऐलान किए, इसमें कहाँ तक सच्चाई? देखिए, ये जानकारी संभवतः मुझे आज पहली बार आप ही के माध्यम से मिल रही है। दोनों प्रत्याशी, मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी का पुराना कैडर है, पार्टी के ऐसे लोगों को इस बार चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने लंबे समय से जो पार्टी का झंडा उठाते रहे हैं, लंबे समय से जो पार्टी की नीतियों को मजबूती से जनता तक पहुंचाने का जिन्होंने काम किया। कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी जी हों या चंदन सिंह हो तारापुर से, ये दोनों पार्टी के ऐसे पुराने साथी हैं जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी को सींचने में, पार्टी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कैंप करने वाले हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि एनडीए की ही जीत जेडीयू प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। देखिए, अब मुख्यमंत्री जी इस तरीके के दावे तो खैर बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान भी करते थे, पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनकर आई, आधे से ज़्यादा सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा और इसी लक्ष्य के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी उस वक्त उतरे भी थे। एक बात हकीकत है कि कुछ भी हो, पर बिहार की जनता ने कम से कम 2020 का जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं दिया था। उनका जनादेश किसी के लिए भी हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। अब वो संजोग वर्ष या परिस्थिति वर्ष या किसी के आशीर्वाद की वजह से या अपने लालच को पूरा करने के लिए भले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हों, पर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। और यही आप देखेंगे, एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण इस बार के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका मुख्यमंत्री बनना दोबारा से, यही सबसे बड़ा कारण होगा, क्योंकि बिहार की जनता नफरत करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति से। और यही आप देखेंगे इस बार के उपचुनाव में, मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशी तीसरे या चौथे नंबर या अपनी जमानत मचाने के लिए जरूर वो लड़ाई लड़ेंगे, पर पहले या दूसरे नंबर की लड़ाई में कहीं मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशी नहीं। जो आशीर्वाद यात्रा चिराग आपने की है, क्या लगता है वो आशीर्वाद यात्रा अब काम आने वाली है उपचुनाव में, क्योंकि आपने हर जगह बिहार के अगर हर कोने की बात करें आपने जाकर लोगों से सीधा संवाद किया, 1-to-1 किया है, क्या लगता है उपचुनाव में वो सारी चीजें आशीर्वाद यात्रा काम आने वाली? देखिए, आशीर्वाद यात्रा काम आने वाली है नहीं, पता नहीं मुझे, पर हाँ, जो हमारी नीति है
जो मेरे नेता जो अपना संकल्प के तौर पर जो अपना आखिरी सपना मुझे देकर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस पर लोगों का ज़रूर विश्वास है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने देखा, देखिए भाई ईमानदारी की बात है, जब 2020 के जब चुनाव हुए थे, मुझे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को जनता तक लेकर जाने का उतना समय ही नहीं मिला था। ठीक चुनाव के बीच में मेरे नेता मेरे पिताजी का निधन हुआ, और जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो 10 दिन तक घर से बाहर निकल नहीं सकता, तो 10 दिन मैं प्रचार नहीं कर पाया। महज मुझे लगता है पूरे चुनाव में 15 या 16 दिन मुझे मिले प्रचार करने के लिए। उन 16 दिनों में जितना मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर जा पाया, उसी के अनुपात मुझे 6 से 8% जो मुझे मत मिला वो मुझे मिला, और वो भी तब जब अभी 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। तो आज की तारीख में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस तरीके से घर घर तक पहुँचा है, वो आशीर्वाद यात्रा में भी एक जन सैलाब के तौर पर देखने को मिला, और यकीनन मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का विश्वास है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, वो विश्वास हम लोगों को वोट के माध्यम से भी दोनों उपचुनाव में देखने को। आखिरी सवाल चिराग आपसे, कैंप कब करने के लिए निकल रहे हैं आप? दोनों सीटों की अगर बात करें तो आप, क्योंकि तेजस्वी निकल चुके हैं, कुछ दिनों में कन्हैया कुमार आएंगे कांग्रेस की तरफ से, आप कब निकल रहे हैं लोजपा रामविलास की तरफ? कल सुबह से लेकर कल सुबह हम लोग निकलेंगे। कल मेरी दादी जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि देकर और अपने पिताजी अपने नेता अपने आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद लेकर कल से विधिवत तौर पर हम लोग प्रचार की हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पूर्व में पहले ही हमारे तमाम नेता पंचायतों की जिम्मेदारी ले चुके हैं, पर मैं कल विधिवत तौर पर प्रचार की शुरुआत करूंगा, और कल से लेकर अगले 10 दिन तक, क्योंकि 10 दिन का प्रचार है ये, कल से लेकर अगले 10 दिन तक वहीं पर रहना, वहीं की पंचायतों में कैंप करना, वहीं किसी गांव में रात्रि विश्राम करना, ग्रामीणों के बीच ही रात गुजारना, अगले 10 दिन तक कुशेश्वर स्थान और तारापुर में निरंतरता में वहीं पर रहकर ग्रामीणों के बीच रहकर एक तरफ उनकी समस्या को समझना और दूसरी तरफ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से उनको कैसे लाभ हो सकता है ये उन तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग। तो चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दिल्ली से पटना आ गए हैं। बिहार उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, और अगर बात करें राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तारापुर रवाना हो गए हैं, 3 दिनों के लिए वो तारापुर रहेंगे, और अब अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार भी बिहार आएंगे, लेकिन अब चिराग पासवान भी दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं, और अब कल से, जैसा कि उन्होंने हमें बताया, डीटीवी भारत को बताया है, कल से 10 दिनों का ये चुनाव प्रचार प्रसार है, और दोनों सीटों के लिए चिराग पासवान वहां पर कैंप करने वाले। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।